नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीएफ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। पीएफ कैसे चेक करते हैं? फंड, पीएफ फंड कैसे चेक करते हैं? कितने रुपए महीने के आ रहे हैं, कितने रुपए कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल खोलते हैं। गूगल पर लिखेंगे हम गूगल पर लिखेंगे हम ई पी एफ ओ, ई पी एफ ओ लिखेंगे और इसके बाद नीचे सर्च का निशान है, इस पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये हमारा पेज खुल गया है, इस पर लिखा ई पी एफ ओ मेंबर पासबुक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ये मांग रही है हमारा यूएन नंबर और पासवर्ड, और ये कैप्चर है 65 में से -6, ये कैप्चर, ये तीन भरना है। तो हम अपना यूएन नंबर और पासवर्ड भर देते हैं जल्दी से। ये मैंने यूएन नंबर और पासवर्ड भर दिया है और अब यहाँ पे मैं कैप्चर कोड भर देता हूँ। 65 में से 6 गए तो 69 बचे, ये मैंने भर दिया है और लॉगिन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, लॉगिन करने पर ये नया पेज ओपन हो गया है। इस पर लिखा प्लीज़ सेलेक्ट एट लास्ट ऑन मेंबर आईडी, और इस पर ये एरो का निशान सा बना है, इस एरो के निशान को दबाना है हमें। ये देखिए, ये एरो का निशान दबाने के बाद यहाँ पर मेंबर आईडी खुल जाएंगी। पहले मैं तीन कंपनियों में काम कर चुका हूँ तो मेरी ये तीनों मेंबर आईडियाँ खुल गई हैं, परंतु अभी मैं जो मेंबर मतलब कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मेंबर आईडी मेरी सबसे ऊपर रहेगी, तो उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करी तो अब ये नया पेज ओपन हो गया है। इस पर लिखा व्यू पासबुक न्यू ईयरली, हमें इस पर दबाना है, तो इसको दबाया हमने। ये देखिए, ये मेरी पासबुक ओपन हो चुकी हैगी। ये देखिए, ये मेरा पीएफ टोटल अमाउंट आ रहा है। ये एम्प्लॉय शेयर 18,000 रुपया, एम्प्लॉयर शेयर ये मेरा 5,501 रुपया, और ये मेरी पेंशन है 12,499 रुपया। ये देखिए किताब, ये कौन कौन से महीने की है, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक का ये पैसा मेरा कटा, परंतु एक साल हो चुके हैं, लेकिन ये 5 महीने के अपडेट करके बताते हैं और नीचे टोटल में दिखा देते हैं। ये देखिए टोटल में जी, और इस पासबुक के लिए हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमने नीचे की तरफ किया तो ऊपर से ये लिखा है डाउनलोड पासबुक, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड फाइल, ये इस पर क्लिक करना है, और ये ला गया डाउनलोड अगेन, इस पर ओके कर दीजिए। बस इतना करने के बाद अब हमें बैक चले जाना है। ये देखिए, हम बैक गए, और बैग जाने के बाद हमें जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर में। हम डाउनलोड वाले फोल्डर में जाते हैं। ये देखिए, डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुके हैं। ये देखिए, ये हो गया मेरा डाउनलोड पीडीएफ, इसको मैं ओके करता हूँ सबसे ऊपर ये, और यहाँ से ओपन करता हूँ, और ये देखिए मेरी हो गई ये मेंबर आईडी, मतलब जो मेरी पासबुक थी वो डाउनलोड हो चुकी हैगी। ये देखिए, ये है मेरी पासबुक, ये 18,000 रुपया, एम्प्लॉय शेयर ये 5,501 रुपया, और ये 12,499 रुपया टोटल ये मेरा कटा हुआ है, और ये मेरा बैलेंस है, मतलब जो पुराने महीनों का टोटल मिला के जितना इतना हो चुका आएगा। इस तरह से हम पीएफ फंड चेक कर सकते हैं, कितना कट रहा है कितना नहीं कट रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। जय हिंद दोस्तों।